मैं आपको बटर चिकन के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये है ऑनियन, मैंने रफली चॉप कर लिया है। टमेटोज़ भी मैंने रफली चॉप कर लिए हैं क्योंकि हम इनको कुक करने के बाद ग्राइंड करेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली, ये लेमन जूस है, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉल्ट, शुगर, ज़ीरा है, रेड चिली पाउडर, सॉरी होल रेड चिली है, कसूरी मेथी, ये तेज़पत्ता है और ये कैश्यू नट है। अब हम इनको कुक करेंगे। मैंने पैन में डाल दिया है ऑयल और बटर। जब ये मेल्ट होगा तो मैं इसमें अनियंस डाल दूँगी और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी। मैंने अनियंस डाल दिए हैं और मैं इसको अच्छे से कुक करूँगी। जब तक ये ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा तब तक इसको कुक करेंगे। हम इसको ब्राउन नहीं होने देना वरना ग्रेवी का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क सा हो जाएगा। मेरा अनियन जो है वो बिल्कुल कैरामलाइज हो गया है सॉफ्ट सॉफ्ट सा। अब मैं इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। अच्छा, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली पेस्ट भी ऐड करेंगे। मैं सारी चीज़ों को अच्छे से कुक करूँगी। सब कुछ बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये जो टमाटो है वो चॉप किए होते हैं। और मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, वो है ये टमाटो प्यूरी जो रेडीमेड मिलती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें, ये ऑप्शनल है। अगर है तो डाल दें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो आप टमाटो सॉस एक चम्मच डाल सकते हैं। सब कुछ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जब तक ये सब कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा तब तक हम इसको कुक करेंगे। जब तक जब मेरी कुक हो जाएगा तो मैं इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लूँगी, बिल्कुल फाइन सी प्योरी बना लूँगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, 2 टेबलस्पून के आसपास। और अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो यू कैन ऐड विनेगर ऑल्सो। मैंने इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूँगी और मैं फिर से इसको ग्राइंड करूँगी क्योंकि हमें थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ये बाद में जब बॉईल होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। मेरी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ सी हो गई है। अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी। मैं इस वक्त इसको बोल में इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज मैं ये नेक्स्ट डे कुक करने वाली हूँ। मैं इसको अभी नहीं कुक करूँगी। अगर आप सेम डे कुक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे के लिए कुक करना चाहते हैं तो आप इसको प्री प्रेप के तौर पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट डे आपका काम इजी हो जाएगा। मैं कल सुबह काम पे जाने वाली हूँ अर्ली मॉर्निंग, सो मैंने इसको अभी प्रेप कर लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में लिड लगा के। ये मेरी चिकन फिलेट है। मैं बटर चिकन चिकन फिलेट से बनाऊंगी और मैं यूजुअली चिकन फिलेट से ही बनाती हूँ। तो मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली, सॉल्ट मैंने डाल दिया है, और ये रेड चिली पाउडर है, और ये थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर है। मैं थोड़ा सा इसको कलर देने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। और मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। ये हमारी एक डे पहले की प्रेप है। अगर आपके यहाँ कोई आ रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, या आपको आप चॉप करते हैं और आपको ये बनाना है तो आप इस तरह से करके रख सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं इसको फ्राई करूँगी।
और जो ग्रेवी है उसको भी मैं कुक कर लूँगी। इधर 1-2 टीस्पून जितना मंजीना ऐड कर दूँगी, इसलिए कि बिकॉज़ जब हम चिकन के पीसेस फ्राई करेंगे तो ऊपर से थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी, वो अंदर से सॉफ्ट रहेगी, जब हम उसको ग्रेवी में डालेंगे तो वो बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाएगी। इस वक्त वापस 5 हो रहे हैं सुबह के और मैं किचन में आ गई हूँ, और अब मैं अपनी जो ग्रेवी है उसको स्ट्रेन करूँगी। मैं स्ट्रेन इसलिए करूँगी जिससे जो स्मूथ और वेलवेटी टेक्सचर है वो आ जाएगा। तो मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया है और उसमें मैंने ये ग्रेवी डाल दी है। अब मैं उसको अच्छे से स्ट्रेन करूँगी और ऑयल और बटर डाल के मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। मैं ग्रेवी में थोड़ा सा टमाटो सॉस ऐड कर दूँगी, इसलिए बिकॉज़ मुझे ग्रेवी का कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, थोड़ा डार्क करने के लिए, और थोड़ा सा टेंगी और स्वीट मुझे फ्लेवर चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा टमाटो सॉस ऐड कर दूँगी। अब इसको धीरे स्लो गैस पे, स्लो फ्लेम पे रख दूँगी ढक कर, जब तक ये अच्छे से कुक हो जाएगी, उसका सारा ऑयल और बटर ऊपर आ जाएगा। इसमें 1 टीस्पून के आसपास रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दूँगी। ये कुक हो रही है मेरी चिकन। मेरी चिकन का कलर काफ़ी अच्छा है लेकिन कैमरा में दिख नहीं रहा, लेकिन ये काफ़ी ऑरेंज है और ये बहुत अच्छे से कुक हो रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसके ऊपर जो मैं उसको मंजीना लगाया था उसके जैसे ये जो कोटिंग है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। ये ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी। और मेरी चाय मैंने रख दी है, साथ में अमला ऑमलेट बन रहा है ब्रेकफास्ट के लिए, और ये ग्रेवी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ग्रेवी हो चुकी है और सी इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है। सो रेडी हमारी बटर चिकन, एंड ये है फाइनल लुक मेरी बटर चिकन की अल्हम्दुलिल्लाह।